कबीर, कहे कबीर दुगमुंगरी गढ़ाए, कहे कबीर दुगमुंगरी गढ़ाए, और जो जैसे माने उनको उसे ही मनाए। चुलबे ना ये चलाकी, चुलबे ना। और अब की बार उनकी वो मटिया पलित हो गई कि फिर आएंगे नहीं। खेला होए, खेला होवे, चुलबे ना ये खाने, चुलबे ना। हाँ चलबे चलबे चलबे, भारी मोहब्बत से चलबे। इलेक्शन टा किंतु मने रखबे, चैलेंजर इलेक्शन। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमने अपनी पार्टी संगठन में वे चुनाव में टिकट देने, इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान प्यारा है, वो पाकिस्तान में जाए। लोग कोरोना से मर रहे हैं, किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से। अच्छे दिन, खेला होवे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा खेला होए, इस बार खेला नहीं हुआ, खदेड़ा हो गए। और जिस दिन भाजपा के लोग आएंगे हमारे कोई इसमें नहीं। आज रोड सड़क की तो काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका, लेकिन ये रोड सड़क गरीब को पेट भरेगा तो काम आएगा ना, इसके लिए वो शायद नहीं आएगी। यूपी में कहा जा रहा है खदेड़ा हो, खदेड़ा होवे, चुलबे ना ये चलाकी, चुलबे ना। और अब की बार उनकी वो मटिया पलित होगी कि फिर आएंगे नहीं। अब बंगले में कहो, और इसलिए कि गैस का भी अभी दाम बढ़ने वाला है, तेल का भी दाम बढ़ने वाला है, तो ठीक है तो क्या करें, देश को बेच दें उनके हाथ, खाएंगे का। और अब की बार वो चिल्लाते थे मोदी सरकार, योगी सरकार, अब की बार सीधा भगाओ सरकार, अब्बा सरकार। और अब की बार आएंगे अखिलेश यादव फुल बहुमत से, और ये कोई ताकत लगा ले उनकी चलेगी नहीं, जब भी चलेगी तो हम लोग की चलेगी। इसलिए चलेगी कि आप लोग हम दिल में ठान चुके हैं, दिल में ठान लिए हैं, और अब सपा सरकार आएगी और देश चलाएगी। हर जगह यूपी में इस बार जैसा कि हम सबको यकीन है कि भाजपा हट जाएगी और अखिलेश की सरकार आएगी, क्योंकि अखिलेश जो हैं एक युवा मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के लिए, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है अपने यूपी के लिए, और हमारा उम्मीद है और हमारी सबकी दुआएं भी हैं कि इस बार अखिलेश ही मुख्यमंत्री बने यूपी के, जो कि देश को बहुत ज़रूरत है उनकी। भाजपा क्लेम कर रही है कि यूपी क्राइम मुक्त है, जीरो, जीरो किस बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, वो एक भी ऐसा मुद्दा दिखा है जो क्राइम मुक्त है, वो उससे बड़ा क्राइम करने वाला तो कोई है ही नहीं। गांव में बेटियों को रेप करके जला दिया जाता है। हाँ तो किसके सरकार है, योगी, बिकॉज ऑफ द मिस्टर योगी, वो क्राइम करवाते हैं अपने, और क्राइम को हटाने के लिए अपने पुलिस को उसके पीछे लगा देते हैं, उसके माँ बाप को 100 नहीं देते, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कराते हैं, और उनसे क्या हम बात करें, वो बात करने लायक नहीं है। इस बार मुद्दा हम आवाम जो है, आम पब्लिक जो है, हम जैसे जो युवा हैं, इस बार उन्हें सबक सिखाएंगे कि कैसा इलेक्शन में वोट किसको देना है, बटन दबेगी साइकिल पर और साइकिल निकल जाएगा इस बार इंशाल्लाह तबारक व तआला। कह रहे थे कि
कि क्राइम मुक्त होगी। अगर चोर को दे दिया जाए कुछ अघोरने के लिए तो चोरी करेगा, वो खुद चोर है। और जब वो सरकार उसकी है तो ढेला कौन मारेगा। अभी उसकी सरकार गिर जाए देखो, हर जगह बात पे बात, कोई झगड़ा, कोई ये कोई वो। और रहा सवाल कि उसके सरकार में आप देखिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उन्हीं के सरकार में बलात्कार हुआ है, सबसे ज़्यादा। वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, उनके लिए अब जगह नहीं है। वो सीधे अब हम तो आए हैं, जो आए हैं झोरी लेके, जाएंगे झोरी लेके, तो अब जाएं, अब उनकी जरूरत नहीं है। चले स्लोगन देते थे बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ तो अब कहेंगे तो बस वही कि बस इनके कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। देगची पे ढक्कन होता है, मुंह पे नहीं। अगर देगची पे ढक्कन रहती है, देगची पे ढक्कन रहती है, मुंह पे नहीं। कहें कबीर, कहें कबीर दुगमुंगरी गढ़ाएं, कहें कबीर दुगमुंगरी गढ़ाएं, और जो जैसे माने उनको उसे ही मनाए। खेला होए, खेला होवे, चोलवे ना यही खाने, चोलवे ना एटा बुचिंदा ये अब अखिलेश यादव। हाँ चोलवे चोलवे चोलवे, भारी मोहब्बत से चोलवे। क्या क्या हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हैं, क्या इस त्योहार सबके एक्सप्रेशंस होंगे ऐसे ही वाव, क्योंकि यू एंड आई लेके आया है फेस्टिव फिएस्टा। 5,000 की खरीदारी से लेके 30,000 की खरीदारी 3 महीने करने पर पाइए धमाकेदार गिफ्ट्स, जैसे कि वाटर बॉटल्स, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, पेडेस्टल फैन, वाटर हीटर और बहुत कुछ। यू एंड आई फेस्टिव फिएस्टा, इसमें है सबके लिए कुछ खास।